अम्बाला रोडवेज डिपो की वर्कशॉप में कार्यरत अप्रेंटिसों ने बीते 9 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते शांतिपूर्वक तरीके से रोडवेज डिपो के मैनेजर के कार्यालय के बाहर हड़ताल कर दी। आरोप है कि ना तो हमें मैनेजर से मिलने दिया जाता है और ना ही हमें वेतन मिलता है, उल्टा हमें धमकाया जाता है कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अप्रेंटिसों ने बताया कि इस कोरोना काल के अंदर जब हर जगह आर्थिक मंदी की मार पड़ रही है, ऐसे में हमें बीते 9 महीनों से वेतन नहीं मिला। जितनी बार भी हम वेतन मांगने जाते हैं कोई ना कोई बहाना करके हमें वापस भेज दिया जाता है। अब तो आलम यह बना हुआ है कि घर वाले भी जेब खर्चे के लिए पैसे नहीं दे रहे। उनका साफ कहना है कि तुम कमाते हो तो हमसे पैसे क्यों मांगते हो। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले रोडवेज की बसों में हमारा किराया भी नहीं लगता था, लेकिन अब रोडवेज की बसों में किराया लग रहा है, जिससे हमें काम तक आने जाने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने साफ कहा कि हमें हमारा वेतन जब तक नहीं मिलेगा हम काम नहीं करेंगे। जी, मेरा नाम अभिषेक है, मैं कैथल से आता हूँ। हमारा डिपो मेरी अप्रेंटिस लगी हुई है, ये मेरे साथ में जो लगे हैं भी अप्रेंटिस पे हैं सभी। इन्हें क्या स्टाई फंड नहीं आ रहा जी हमारा, 8 महीनों से 1 महीने की सैलरी दे के फिर हमसे कह देते हैं कट लग रहा, हमारी सैलरी नहीं दे रहे हैं। हमको आते हैं फिर लार लगा के चल भेज देते हैं हमको, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, हमारा स्टाई फंड दो, नहीं तो हम कोई काम नहीं करेंगे, नहीं वरना हमको घर भेज दो, हम कोई लिख के दे देंगे। हम जीएम से आंदो, जीएम से हमें मिलने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं जीएम नहीं वो गई है, वहाँ गई है डीएम, वो ये फलाना डिगड़ा, हमको दम क्या दे जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है हम पे, काम इतना लिया जा रहा है कि हमको सैलरी देनी है। हम सैलरी तो मारे, हमारा हक मांग रहे हैं, हम कोई नजायज थोड़ी ना कर रहे हैं। सैलरी आपकी गवर्नमेंट की ओर से 8,050 रुपये है जी, और इतने हो गए जी। दिक्कतें आ रही हैं घर परिवार के खर्चे उठाने में, घर परिवार की ना तो घर पर, घर वाले भी पूछ रहे हैं भाई आप इतने दिनों से जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी क्यों नहीं मिल रही, मैं पता नहीं पीछे से कह रहे हैं हमको कट लग रहा है तो हमें खर्चे के लिए पैसे दो, घर वाले देने से हमें मना कर रहे हैं, हम कहाँ से दे, जॉब तो तू कर रहे हैं, हमें थोड़ी ना पैसे दे रहा, तू किराया ले रहे हैं ऊपर से, हमसे ऊपर से कहीं भी जाते हैं ड्राइवर कनेक्टर भी हमसे तकरार कर लेते हैं भाई तुम ऐसे नहीं चल सकते, तो हमें सैलरी दो हम किराया भी ले लेंगे, हमें इसमें क्या बात है बड़ी। फरी जाते थे जी, फरी आते थे, अब नहीं कर रहे, कब से मिलने हो गए जी, कोई सुविधा नहीं, और हमारे पास ना कोई पहचान पत्र है। एक मिनट जी, मैं नारायण जी, ये 8 महीने 9 महीना चल रहा है जी, फंड नहीं आया स्टाइफंड हमारा, जो स्टाई फंड के बारे में बात करते हैं जी, जो कहते हैं आपकी प्रिंटिस कैंसिल कर दी जाएगी जी, ये धमकी देते हैं जी हमको, और ना नो कोई फंड नहीं है, कोई खर्चा पानी नहीं दे रहे जी हमको, और जो किराया कहते हैं कनेक्टर लोग, पहले 8-9 महीने पहले फ्री था जी किराया, अब ये कह रहे टिकट लगी करेंगे आपकी, कह रहे हैं